राज्य के सभी स्कूलों में शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों को टीके की दो खुराक पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा फैसला लिए जाने की जानकारी उप मुख्यमंत्री अजीत पवार द्वारा मीडिया से बातचीत के दौरान दी गई है। इस बीच अजीत पवार ने यह भी कहा कि जिस स्कूल में उनका बच्चा जा रहा है उसके शिक्षक द्वारा टीके की दो खुराक पूरी कर दी जाए तो माता पिता को राहत मिलेगी। राज्य में स्कूल शुरू करने पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री द्वारा टास्क फोर्स के साथ चर्चा में लिया जाएगा। शाळा सुरू करण्याच्या बाबत पुन्हा आमच्या त्या खात्याच्या मंत्री वर्षाताई गायकवाड यांनी म्हणजे पुन्हा आढावा घेते, पण पाठिंब्याच्या काळामध्ये आढावा घेत असताना त्यांनी एक तारीख जाहीर केलेली होती, परंतु मुख्यमंत्र्यांचा शेवट हा सर्वत्री फायनल अधिकार हा मुख्यमंत्री महोदयांचा असतो। मुख्यमंत्री महोदयांनी आम्हाला कॅबिनेटला सांगितलं की टास्क फोर्सशी चर्चा करून मी याबद्दलचा निर्णय घेईन, आणि आजही केंद्रामधनं जे काही आरोग्य विभागाच्याकडे सांगितलं जातं की केरळमध्ये सध्या सगळ्यात जास्त पॉझिटिव्हचं प्रमाण आपल्याला पाहायला मिळतं, आणि दोन नंबर हा आजही महाराष्ट्राचाच पॉझिटिव्हचा आपल्याला पाहायला मिळतो। त्याच्यावर त्यांनी सांगितलेलं होतं की तुम्ही जे काही मोठ्या प्रमाणावर गर्दी करणारे उत्सव आहेत अशा प्रकारच्या उत्सव घरगुती घरामध्ये करण्याच्याकरता तुम्ही आवाहन करा, आणि गर्दी रस्त्यावर येणार नाही, गर्दी बाजारात होणार नाही, अशा प्रकारची काळजी घ्या। हालांकि केंद्र ने भीड़भाड़ वाले त्योहारों को घर में ही मनाने का निर्देश दिया है। कुछ राज्यों में स्कूल शुरू किए गए थे लेकिन कुछ ही दिनों में छात्र पॉजिटिव पाए गए। यही नहीं, तीसरी लहर में केरल में सबसे ज्यादा मरीज पाए गए, उसके बाद दूसरा नंबर महाराष्ट्र का है। इसलिए केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य को कुछ निर्देश दिए है जिसे अजीत पवार द्वारा स्पष्ट किया गया। BCN न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट।